और यही है राजसमंद झील, बहुत बड़ी झील है, बिल्कुल अंदर पतली पतली गलियों में घुसे हैं, बिल्कुल ओल्ड राजस्थानी स्टाइल गलियों में बसा गांव है यहाँ पे। इसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए बैठे हैं, तो मैंने ये बुक कर दिया। रिव्यूज इतने अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया। नाथद्वारा से गुड मॉर्निंग। देखिए अभी सुबह के बजे हैं 7:45। हम लोग सब तकरीबन रेडी है, सिर्फ कीर्तन बाकी है, तो कीर्तन रेडी हो रहा है। अब यहाँ से आज निकलेंगे और हम लोग जाएंगे नारनौल। नारनौल यहाँ से 500 किलोमीटर के करीब है, 8 घंटे लगेंगे। वहाँ पे जाके सिर्फ होटल में रुकना है, तो आज का दिन सिर्फ ट्रैवलिंग रहेगा, कुछ और करना नहीं है। यहाँ से निकल के कांकरोली और राजसमंद थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और फिर उसके बाद आगे चले जाएंगे। दोपहर को लंच करेंगे एंड देन नारनौल पहुँच जाएंगे शाम को लगभग 5 बजे के आसपास, और फिर वहाँ पे हम नाइट स्टे करेंगे। तो आज का कुछ यही प्रोग्राम रहेगा। पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा, ये बिल्कुल हाईवे के साथ वाला ये होटल हमने लिया था। यहाँ से कुछ माउंटेन व्यू भी आपको दिखता है। ये है होटल श्रीनाथ इन नाथद्वारा। स्टे अपना इधर कंफर्टेबल रहा, रूम्स ठीक ठाक थे, स्पेशियस है, विथ ऑल द नेसेसरी एमिनिटीज। ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था तो सही है। बस अब यहाँ से चेकआउट करते हैं। Let's move on. होटल श्रीनाथीन से निकल के नाथद्वारा छोड़ के अभी उससे आगे 5-7 किलोमीटर आते ही ये कांकरोली टाउन आता है। ये भी एक तीर्थ स्थान है। यह स्थान इसके द्वारकाधीश मंदिर के कारण विख्यात है, और यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर राजसमंद लेक भी है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे आए हैं। ये कांकरोली टाउन में हम बिल्कुल अंदर पतली पतली गलियों में घुसे हैं। नाथद्वारा से निकल के ये मेरे पीछे आप देख रहे हैं कांकरोली का द्वारकाधीश मंदिर। भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। अभी मैं पार्किंग लॉट में हूँ। हिल पे है ये मंदिर, काफ़ी हाइट पे है। नीचे पूरा राजसमंद कांकरोली जो टाउन है वो दिख रहा है। बहुत सुंदर जगह है। अभी दर्शन शुरू है तो बिल्कुल टाइम पे पहुंच चुके हैं। देख लीजिए इतना यहाँ पे पार्किंग लॉट है, पतली गलियों में से होते हुए यहाँ पे हम पहुँचे हैं। उदयपुर शहर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पे राजसमंद शहर का ये जुड़वा कस्बा कांकरोली, यहाँ पे भगवान द्वारकाधीश का ये भव्य मंदिर स्थित है। पूरा हवेली नुमा इस मंदिर का स्ट्रक्चर है, जिसको देखते ही आपका मन ये मोह लेगा। मंदिर के चौक में पूरा मंदिर का भगवान का प्रागट्य इतिहास वर्णित है, और इस चौक में से ही होते हुए हमें मंदिर के लिए आगे बढ़ना है। भव्य महल जैसा हवेली नुमा ये मंदिर और इसके ऊपर मेवाड़ी कला का प्रभाव साफ दिखता है। मंदिर के अंदर कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो ये बाहर से ही आपको ये मंदिर हम दिखा रहे हैं। अंदर भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश स्वरूप में विराजमान हैं, और उनकी मनमोहक मूर्ति का दर्शन आप इस छवि के माध्यम से कर सकते हैं। हम मंदिर में दर्शन करके आ चुके हैं, और ये मंदिर के साथ में ही राजसमंद झील दिखती है। महाराणा राज सिंह के समय सन 1617 में लाल पत्थर से बनी भगवान श्री कृष्ण की यह मूर्ति यहाँ पे लाई गई थी। यह राजा किसी के अधीन नहीं थे, तो यहीं पे उन्होंने यह मूर्ति की स्थापना की। पहले ये मूर्ति
राजसमंद झील के किनारे ही एक छोटे से मंदिर में रखी गई थी। बाद में राजसमंद झील के निर्माण के बाद सन 1676 ईस्वी में झील के किनारे एक मंदिर का निर्माण करवाया गया, लेकिन बाद में राजसमंद झील का जल स्तर बढ़ने की वजह से वह मंदिर पानी में डूब गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण सन 1719 ईस्वी में गोस्वामी गिरधर के समय में हुआ था, इसलिए इसे गिरधर गढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तब एक ऊंचाई वाले स्थान पे इस मंदिर का निर्माण किया गया था। मंदिर के पीछे देखिए एक ऐसी गली है, बिल्कुल ओल्ड राजस्थानी स्टाइल गलियों में बसा गांव है यहाँ पे। ये पूरा घाट बना है, देखिए मंदिर के पीछे पूरा घाट बना है, और यही है राजसमंद झील। बहुत बड़ी झील है और यहाँ पे मछलियों को लोग अभी खाना खिला रहे हैं, बोटिंग भी हो रहा है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इस झील को रायसागर झील के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से कुछ दूरी पे और एक घाट बना हुआ है, अभी हम वहाँ पे नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप वहाँ पे जा सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे दर्शन प्राप्त हो गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं। अब सिर्फ ट्रैवलिंग ही ट्रैवलिंग रहेगा, 8 घंटे के बाद पहुँचेंगे अपने डेस्टिनेशन को। ऐसे ही रास्ते में जाते जाते ये खूबसूरत झील नजर आ गई। बस हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अभी दोपहर का 1:15 है, 1:15, तो सोचते हैं कि इसी रोड पे कोई रेस्टोरेंट मिल जाए तो लंच कर लेते हैं। अभी रास्ते में बोर्ड्स मिले हैं, लिखा हुआ है घर जैसा खाना कुबेर होटल, तो उसी को ढूंढते ढूंढते आगे बढ़ रहे हैं, पहुंचते हैं, लंच करते हैं वहां पे। ये हाईवे पे होटल नारायण एंड रेस्टोरेंट हमें दिखा, तो बस इसी रेस्टोरेंट में लंच के लिए बैठे हैं, ऑर्डर दे दिया है। खाना बाना खा के सभी फिर से गाड़ी में रेडी, चलते हैं अब अपने आज रात के मुकाम नारनौल। तो अभी बजे हैं 2:30 और अभी 235 किलोमीटर बाकी है, तकरीबन 250 किलोमीटर हमने यहाँ तक तय किए हैं। अब 235 किलोमीटर बाकी है और गूगल के हिसाब से हमें 4 घंटे लगने चाहिए, तो तकरीबन 6:30 तक हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। पूरा रूट जो हमने प्लान किया है कुछ इस प्रकार से है, ताकि हम हिमाचल तक बड़े आराम से पहुंच जाएं। तो 300-400 किलोमीटर पर डे के हिसाब से ट्रैवल किया जाए, ऐसा कुछ प्लान किया हुआ है। तो घर से निकले उसके बाद ये नाथद्वारा, और नाथद्वारा के बाद अभी हरियाणा में नारनौल जाएंगे हम, जहाँ पे अपना रिसोर्ट बुक है, और फिर कल सुबह वहाँ से निकल के हम जाएंगे माँ चिंतपूर्णी जो कि शक्तिपीठ है, उसके दर्शन के लिए। देखिए पापा भी आम खा रहे हैं, क्योंकि वो बाहर का कुछ खाते नहीं हैं, तो उनके लिए घर का सब कुछ प्रिपेयर करके ही ले जाते हैं, और अपने पास रोटी मेकर हैं और राइस कुकर हैं तो उसमें बना लेते हैं, और दिन भर ऐसा जो घर से बना हुआ नाश्ता होता है वो पापा ले लेते हैं। हमने लंच कर लिया लेकिन पापा ने नहीं किया, क्योंकि बाहर का वो नहीं खाते हैं, तो बस अभी वो आम खा रहे हैं। तो बस ऐसे ही रुकते रुकाते घूमते घुमाते गुजरात से लेके हिमाचल तक जाना है, तो बीच बीच में जो ऐसी अच्छी सी जगह आती है वहाँ पर रुकते हैं, घूमते हैं, दर्शन वगैरह करते हैं, और ऐसे कुछ डेस्टिनेशन प्लान करके हिमाचल तक पहुंचेंगे।
से आगे ये शाहपुरा के पास ऐसे छोटे छोटे पहाड़ है और पहाड़ों के बीच से ये रास्ता जाता हुआ, इट्स सो ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। फाइनली घूमते घुमाते गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से अब आ चुके हैं हरियाणा। अपने देश को सबसे ज्यादा एथलीट देने वाला स्टेट हरियाणा में अभी हम एंटर हो चुके हैं। अभी तक था नेशनल हाईवे 48 और अब ये है नेशनल हाईवे नंबर 148B। सूरज ढलने को है, आसपास सुंदर पहाड़ नजर आ रहे हैं और ये एकदम सुंदर सीधा सा हाईवे। गुजरात से निकले हैं तब से यहाँ तक हमको CNG हर कुछ किलोमीटर पे मिले हैं, तो अभी तक हम CNG पे ही आए हैं यहाँ तक। ये हाईवे काफी अच्छा बना हुआ है और बस अब 35 किलोमीटर बाकी है नारनौल। नारनौल पहुंच चुके हैं, बस अब 7 किलोमीटर के बाद अपना होटल आ जाएगा। ये नेशनल हाईवे 11 पर हैं अभी हम। यही लेफ्ट साइड पे जो दिख रही है होटल केसर, वही अपनी होटल है। थोड़ा ये कितना घुमाता है देखते हैं। Finally reached to the destination or time has right, then you arrive at your destination. Yes, time has 6:40. देखिए ये बड़ा सा रिसोर्ट है नारनौल हरियाणा, केसर रिसोर्ट एंड मिडवे। देखिए यहाँ के रिव्यूज सो थे, लेकिन मैंने रिस्क ले लिया क्योंकि देखिए वहाँ पे पीछे गाड़ियाँ जाती आप देख सकोगे, वही हाईवे है तो मेन हाईवे के बिल्कुल साथ में ये जगह है। और क्योंकि ये हाईवे के बिल्कुल साथ में थी, यहाँ से हमको जाना आना कन्वीनियंट रहता, तो मैंने ये बुक कर दिया। एंड रूम्स काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको होटल दिखाता हूँ। हमको यहाँ पे वेलकम भी अच्छा मिला है और रूम्स भी अच्छे मिले हैं। वैसे तो ये रिसोर्ट एक पार्टी प्लॉट है, यानी कि मैरिज हॉल है यहाँ पे। देखिए एक बड़ा सा गार्डन है वहाँ पे और यहाँ पे एक शॉप भी है, देखिए गिफ्ट शॉप, स्विमिंग पूल, रूम्स, तो कुल मिला के एमिनिटीज़ हैं यहाँ पे। सिर्फ एक ही बंदा है यहाँ पे काम करने के लिए, क्योंकि पूरा होटल अभी खाली है, कोई और नहीं है। ये पूरा रेस्टोरेंट है, यहाँ पे स्नूकर, टेबल टेनिस और बुफे यहाँ पे लग जाएगा। ये पूरा रिसेप्शन, वेटिंग लॉन्ज, देखिए कुछ ऐसा रूम है। ये मम्मी पापा का रूम, कबर्ड्स वगैरह है यहाँ पे, वो मम्मी पापा का रूम है और ये अपना रूम है। चलो ये भी सही है। एंड दिस इज द बाथरूम। देखिए मैं रूम में हूँ और मेरे पीछे आप देखिए हाईवे है पूरा। One hour later. So friends, आपके घुमक्कड़ गुज्जूस अभी क्या कर रहा है इस रूम में दिखाता हूँ आपको। ये है अपना राइस कुकर जो कि हम घर से ही लेके आए हैं और उसमें अभी बन रही है अपनी आलू की सब्जी। ये पूरा अभी सामान है जो रेडी है, ये खिचड़ी का सामान है। चावल और दाल भिगो के रखे हैं, बाद में हम खिचड़ी पकाएंगे। पक गया बिल्कुल पक गया, बहुत अच्छा, बढ़िया। फाइनली मस्त डिनर करके अभी अपने अपने रूम पे आ गए हैं और बस अब सो जाते हैं। सो गुड नाइट, मिलते हैं कल। इस व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड सी यू सून।
आशा रखता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको एक लाइक जरूर करना। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ।